पिलंजी गांव में रेड भी की थी। और आपको ये भी बताएं कि बसोया के खिलाफ 3 लुकआउट सर्कुलर्स जारी हो चुके हैं, जिस तरह से उसका नाम लगातार ड्रग्स की तस्करी में सामने आ रहा है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं ये खेल हो रहा, पंजाब में भी इस तरह की तस्वीरें आए दिन सामने आती रही हैं। ये देखिए तरन तारण से, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं इसके अंदर ड्रग्स है, ड्रग्स पकड़ी गई है। BSF ने 6 बोतल ड्रग्स पकड़ी है, तरन तारण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये सारा जो तस्करी का खेल चल रहा है सीमा पार से भी और यहाँ भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या तैयारी थी, आखिर किस लिए इतनी बड़ी खेप, 7600 करोड़ अगर हम कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कीमत इतनी है तो ड्रग्स कितनी होगी। तो आप सोचिए ये कहाँ सप्लाई की तैयारी थी। चलिए आपके सामने जल्दी से अब जानकारी इससे जुड़ी भी रख देते हैं। ये आप देख रहे हैं कॉन्सर्ट्स के लिए इसकी तैयारी की जा रही थी, ऐसा अंदर खाने से जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से। ड्रग्स खरीदने वाले डीलर्स की अब पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि हर लिहाज से जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। मनोरंजन जगत के कुछ नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, किस तरह से नेक्सस जुड़ा हुआ है आप समझ रहे हैं। कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक फेस्टिवल में बताया जा रहा है कि सप्लाई करने की आशंका थी। इस एंगल से जांच को दिल्ली की जो स्पेशल टीम है वो आगे बढ़ा रही है। दिल्ली, मुंबई और गोवा में बड़े कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं और उसी में युवाओं को इस नशे की खेप सप्लाई करके उन्हें इसे खपाने की कोशिश थी और कॉन्सर्ट्स के लिए इसे स्टॉक किया जा रहा था, बड़ी संख्या में जमा किया जा रहा था, बड़ी मात्रा में, जिसका खुलासा अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कर दिया है और एक तरह से पूरे सिंडिकेट का भी खुलासा हो गया। इस मामले में आगे जांच चल रही है। चले अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि लखनऊ में आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली और कल रात से ही, बल्कि कहें कि ये तस्वीर देखने को मिल रही थी, क्योंकि सियासत का एक जुदा अंदाज जयंती पर देखने को मिला। बात अब उसी की करेंगे। ये हमें सुरक्षा के साथ ले जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा इसलिए लगाई इन्होंने कि हम जा ना पाए। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को प्रतिबंधित कर रखा है। मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना, ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके आचरण का छटाक भर भी आपने पालन किया है? समाजवादी पार्टी ने आज जमकर बखेड़ा खड़ा किया है लखनऊ में और ये सब कुछ हुआ है अखिलेश यादव की एक जिद की वजह से। अखिलेश यादव दरअसल जयप्रकाश नारायण, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, माल्यार्पण करना चाहते थे उनकी जयंती पर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत वहाँ खड़ी हुई जहाँ एक निर्माणाधीन इमारत JPNIC, जी हाँ, उसके अंदर जाने की जिद ठान ली अखिलेश यादव ने और उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। सवाल यही बना हुआ है, श्रद्धांजलि तो किसी को भी कहीं भी अच्छे मन से अर्पित की जाती है, उसी इमारत के अंदर जाने की ऐसी जिद क्यों थी, आज इसी पर आपको जानकारी देने वाले हैं। दरअसल ये तस्वीर एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखी समझी जा सकती है, क्योंकि आपको बताएं कि 10 जगहों पर उपचुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं, कुछ इसी तरह से लग रहा है ऐसा। क्यों हम आपको कह रहे हैं ऐसा, आपको बताएं, यूपी में उपचुनावों से पहले ही समाजवादी पार्टी ने नया दांव खेल दिया है। जेपी को श्रद्धांजलि देने के बहाने समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया है। अखिलेश JP इंटरनेशनल सेंटर पर श्रद्धांजलि के लिए अड़े रहे, बिल्डिंग में निर्माण की वजह से उन्हें इजाजत नहीं मिली, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंच गया और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। जी हाँ, जमकर हंगामा हुआ है और अखिलेश की जिद की वजह से फोर्स की तैनाती भी करनी पड़ी, जेपी सेंटर को टिन शेड लगाकर ढकना पड़ा। ये तस्वीरें सामने आई और इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि ये मौका तो जयंती का था, श्रद्धांजलि अर्पित करने का था, लेकिन इसे अलग ही दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव। चलिए आपको पहले दो तस्वीरें हम दिखा देते हैं, दो तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी इसलिए, पिछले साल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप ये देख रहे हैं जो फांद कर जा रहे हैं, जी आप सही पहचान रहे हैं, वो अखिलेश यादव ही हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, और वो कूद कर जा रहे हैं अंदर माल्यार्पण करने, जेपी की जयंती पर, जननायक की जयंती पर इस तरह से जा रहे हैं अंदर माल्यार्पण करने।
तब भी इस तरह का सियासी स्टंट खेला गया था। और आज की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव को देख रहे हैं, ये जयंती पर संग्राम की आज की तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी कि किस तरह से एक अलग माहौल खड़ा करने की कोशिश हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जयंती को लेकर था, लेकिन ये ऐसा नहीं था। कैसा था, पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आपको बताएं कि ये शुरुआत जो अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये सुबह की तस्वीर थी। रात में तो और ही हंगामा हुआ, एक अलग ही अंदाज में अखिलेश यादव दिखाई दिए। ये रात की तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा ऑडियो ऑफ करिएगा और ये तस्वीर दिखाइए। जरा ऑडियो ऑफ करके ये तस्वीर दिखाइए कि कैसे रात में पहुंचे थे, पहले देखने की इस बार कूद के फांद के पहुंच पाएंगे कि नहीं। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई। तो और तो हम भी लिख सकते हैं पेंट से, ब्रश पेंट से तू लिख दे भाई। शादी पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए वहां पर एक पेंटर था जो शायद एलडीए के निर्देश पर ये लिखने पहुंचा था कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब रात में पहुंचे तो उन्होंने क्या लिखवा दिया, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ये उन्होंने लिखवा दिया। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं और ये रात की थी। और सुबह की तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पूरी भीड़, ये पहुंची है अपने मुखिया के आदेश पर, ये पहुंची है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के आदेश पर, और जोरदार हंगामा यहाँ होता दिखाई दे रहा है। जय प्रकाश नारायण की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं और जोरदार हंगामा यहां पर देखा गया। यह हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि मांग थी कि अंदर जाना है, जेपीएनआईसी के अंदर जाना है जो बंद है, जो निर्माणाधीन है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, हो हंगामा हुआ, बैरिकेड्स तोड़े गए, क्या कुछ वहां सूरत हाल था। हमारे सहयोगी अजय की आपको उस वक्त की रिपोर्ट, सुबह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप। आपको पुलिस की तरफ ये कार्यकर्ता भड़ककर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग के सामने जाकर जोरदार नारेबाजी करके पुलिस को चुनौती देते हैं ये सपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर कार्यकर्ता हाथापाई पर आमादा होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा है, रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखिए बल्लियों पर चढ़ते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बल्लियों पर चढ़कर ये कार्यकर्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पुलिस ने रोकने के इंतजाम किए हैं, देखिए ये यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़कर पार करने की कोशिश करते हुए झंडा लेकर लहराते हुए समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हंगामा हुआ, उसके बाद वहां लखनऊ पुलिस की टीम पहुंचती है अखिलेश यादव के घर, उनसे समझाइश करती, उन्हें बताती है, और उसके बाद ये माल्यार्पण, वो खुद ही प्रतिमा लाते हैं, खुद ही माला लाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं और माल्यार्पण कर देते हैं। ये तस्वीर सामने आई है और इसको लेकर हमने अखिलेश यादव से बात भी की कि आखिर इस तरह से हो हंगामा क्यों कर रहे हैं जयंती पर। सुनिए जरा उन्होंने क्या जवाब दिया है। देखिए बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकतंत्र को